राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ति में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हमें सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को डेली स्नान कराना चाहिए, क्योंकि अभी ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सुबह में तो इतना कोहरा छाया होता है कि पता ही नहीं चलता कि धूप निकलेगी या नहीं। इतनी ठंड में कभी कभी बारिश भी हो जाती है और बारिश होने के कारण ठंड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में हमारे बाल स्वरूप कन्हैया को इतनी ठंड में रोज स्नान कैसे कराएं? तो देखिए, लाला की सेवा में भाव का प्रधान सबसे ज़्यादा है। लाला की सेवा भाव से की जाती है। आपके मन में जिस तरह के भाव लाला के लिए आए, आप उसी तरह से उनकी सेवा करें। अगर आपके लाला बहुत ज़्यादा छोटे हैं, यानी 0 या 1 नंबर के, या बड़े लाला भी हैं, तो उनको भी आप जिस दिन ज़्यादा ठंड हो उस दिन आप चाहे तो गर्म पानी करके तौलिए को गीला करके आप लाला को अच्छे से पोंछ दें और उनके वस्त्र चेंज कर दें, क्योंकि ज़्यादा ठंड पड़ने पर हम अपने बच्चे को भी नहीं नहलाते हैं, सिर्फ अच्छे से पोंछ कर कपड़े चेंज कर देते हैं। उसी तरह से हमें अपने कन्हैया को भी अच्छे से पोंछ कर वस्त्र चेंज कर देने हैं। आप पानी में थोड़ा सा गंगाजल डाल लें और अच्छे से कन्हैया को पोंछ कर उन्हें वुलन ड्रेस पहना दें। उन्हें अच्छे से ढक दें ताकि हवा ना लगे। आप कन्हैया को इनर पहना दें। सॉक्स भी आते हैं कन्हैया के, अगर आपके पास है तो आप सॉक्स पहना दें, टोपी लगा दें, शॉल ओढ़ा दें और लड्डू वाले हाथ के नीचे तकिया जरूर लगाएं ताकि हमारे कन्हैया का हाथ दुखे ना। इसके बाद आप उनका श्रृंगार करें, उन्हें भोग लगाएं। तो भोग में आप गर्म चीज़ों का ही भोग लगाएं। आप मौसमी फलों का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप आरती करें। तो अगर ज़्यादा ठंड पड़े या फिर बारिश हो तो आप गर्म पानी करके तौलिए को गीला करके कन्हैया को पोंछ सकते हैं। आप 1-2 दिन गैप करके इस तरह से कन्हैया को पोंछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप गर्म पानी कीजिए और उसमें गंगाजल या रोज़ वाटर डालिए, तौलिए को गीला करके और उन्हें पोंछ दीजिए और उनके वस्त्र चेंज कर दीजिए। उन्हें इत्र लगाए, फूल चढ़ाए ताकि उनके आसपास खुशबू आती रहे। तो आप ज़्यादा ठंड पड़ने पर इस तरह से कन्हैया की सेवा कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।